Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start chapter number 6 of our literature book that is given on page number 109, Amazing Mom of Three Living in Abu Dhabi. And the theme of the chapter is People and Places. तो आप यहाँ से देख लीजिए जो हमारा टाइटल है दैट सजेस्ट अमेजिंग मोम ऑफ थ्री लिविंग इन अबू धाबी कि तीन बच्चे हैं उनकी मम्मी है शी इज़ अमेजिंग और कहाँ पे वो रह रहे हैं अबू धाबी में. तो दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट द लेडी फॉर दैट अमेजिंग लेडी जो अमेजिंग मोम है उनके बारे में है जो अबू धाबी में रह रहे हैं. दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू. सो फर्स्टली लेट अस सी गेट स्टार्टेड क्वेश्चंस. Discuss with your partner. Where is Abu Dhabi? Abu Dhabi कहाँ पर है? Abu Dhabi is located at the coast of Persian Gulf in the central west range of UAE. Abu Dhabi is the capital and second largest city of UAE. जो Abu Dhabi है वो हमारी second लार्जेस्ट सिटी है यूएई की और कैपिटल भी है उसकी. वाई डू टूरिस्ट गो देयर? टूरिस्ट क्यों जाते हैं भाई कहीं पे? आप मालूम वहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने होते हैं या कुछ ना कुछ वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन जरूर होती है तभी वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं. तो अबू धाबी में भी लोग वहाँ के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको देखने के लिए जाते हैं. एक तो वहाँ पे है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, कसर अल होस्न एंड द हेरिटेज विलेज और भी बहुत सी वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू द नेटिव्स वियर? जो वहाँ के आम लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? नेटिव्स मीन्स जो वहाँ के रहने वाले हैं. तो वहाँ के रेजिडेंट्स कैसे ड्रेस पहनते हैं? आपने मुस्लिम जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ के लोगों का पहनावा देखा है, जैसे जो लेडीज़ होती हैं वो लॉन्ग सी ड्रेस पहनती हैं, ऊपर हिजाब होता है उनका, तो दैट ड्रेस एंड दैट इज़ कॉल्ड अबाया. और जो जेंट्स होते हैं उनकी भी वैसे ही होती है, लंबी सी उनकी शर्ट, मतलब एक ही पीस होता है वो पहन के रखते हैं, लंबा सा जो गाउन सा होता है, ऊपर सिर पे कपड़ा होता है और एक हेड बैंड सा होता है. तो जैसे पुरानी मूवीज़ में ये बहुत दिखाया जाता था लाइक दैट. So let's start the chapter. Reporter, good morning, ma'am. I am Rustam Khan from Al Jazeera. जो reporter है वो उसको wish करता है. Good morning, ma'am. I am Rustam Khan. मैं Rustam Khan हूँ from Al Jazeera. I would like to know about your struggle and success here. मैं आपके जो struggle है और जो सक्सेस है उसके बारे में जानना चाहता हूँ. तनई, थैंक यू फॉर चूजिंग मी फॉर द इंटरव्यू, प्लीज़ गो अहेड. वो उसका धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसको इंटरव्यू के लिए चूज़ किया और कहती है कि प्लीज़ आगे बढ़े. रिपोर्टर, यू हैव थ्री चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 11 एंड यू मूव टू अबू धाबी. हाउ डिड यू डिसाइड टू मेक सच अ बिग मूव? जो रिपोर्टर है तनई से क्वेश्चनिंग करता है कि आपके तीन बच्चे हैं जो 11 साल से कम उम्र के हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप अबू धाबी मूव करेंगे? इतना बड़ा मूव, इतना बड़ा डिसीज़न आपने कैसे लिया? देन सी द रिप्लाई ऑफ तनई. इन 2013 मूविंग टू अबू धाबी वॉज अ मियर थॉट. वो कहते हैं कि 2013 में अबू धाबी आना मेरे लिए सिर्फ एक थॉट था. मियर होता है ओनली. I was married at that time and was introduced to the opportunities available in the UAE. मैं मैरिड थी उस टाइम पे और मुझे पता चला जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी UAE में. My marriage was on its last leg. जो मेरी मैरिज थी वो अपने लास्ट लेग पे थी, मीन्स जैसे लास्ट स्टेज आप कह देते हो लाइक दैट. We were in a state of emergency and needed an intervention. कहता है कि वी वर इन द स्टेट ऑफ एमरजेंसी, हम एमरजेंसी की स्टेट में थे और हमें एक ब्रेक चाहिए था. इंटरवेंशन होता है ब्रेक. आई फिगर्ड मूविंग टू अनदर कंट्री. मैंने फिगर आउट किया कि हम दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं. इन माई केस
अबू धाबी और दुबई एंड स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू बिजनेस। कहते कि मेरे केस में वो जगह कौन सी थी, अबू धाबी या दुबई, और कोई नया बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करना। वुड सेव आर मैरिज एंड फैमिली, वो मेरी मैरिज और फैमिली को सेव कर सकता था। माई हस्बैंड एग्रीड दैट वी वर इन नीड फॉर अ चेंज, मेरे हस्बैंड ने भी एग्री किया कि हमें चेंज की नीड है। एंड अबू धाबी वुड बी द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अफ्रेश, और उन्होंने भी सोचा कि जो अबू धाबी है वो अच्छा प्लेस है, बेस्ट प्लेस है नई स्टार्ट के लिए। वी बोर्डेड द एयरप्लेन थ्री डीप, थ्री डीप मीन्स थ्री पर्सन, फोर पर्सन सॉरी। उन्होंने एयरप्लेन में अपनी जो टिकट्स थी वो बुक की फोर, कितने पर्सन्स के लिए, फोर डीप, फोर पर्सन्स के लिए। थ्री किड्स एंड वन पेरेंट, वन पेरेंट कौन थी, तनई, इंस्टेड ऑफ अ फैमिली ऑफ फाइव, क्योंकि जो उन बच्चों के पापा थे उनके साथ नहीं जा रहे थे। देन रिपोर्टर, वॉज गेटिंग एन ऑफर इन अबू धाबी और दुबई डिफ़िकल्ट, वट वॉज द इंटरव्यू प्रोसेस लाइक, कि क्या अबू धाबी और दुबई में जॉब ऑफर गेट करना डिफ़िकल्ट है, और क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू प्रोसेस। गेटिंग एन ऑफर वॉज अ ब्रीज, ब्रीज मीन्स ईजी। वो कहते हैं कि ये ऑफर गेट करना बहुत ईजी होता है। आई हर्ड अबाउट द पोजिशन ऑन अ विम इन मार्च 2013, मुझे इस पोजिशन के बारे में मार्च 2013 में पता चला था, जब उनको मतलब अर्जेंट नीड थी। आई अप्लाइड ऑनलाइन टू टीच अवे एंड फुटप्रिंट्स रिक्रूटिंग, उन्होंने दो जगह अप्लाई किया, टीच अवे एंड फुटप्रिंट्स रिक्रूटिंग में। अ फ्यू डेज आफ्टर अप्लाइंग, अप्लाई करने के कुछ दिनों के बाद, आई हैड फोन इंटरव्यूज फॉर बोथ पोजिशंस, दोनों पोजिशन के लिए मेरे फ़ोन इंटरव्यू हुए। बिफोर आई न्यू इट आई हैड एडवांस टू द फेस टू फेस इंटरव्यू फेस, और उसको जैसे ही पहले ही पता था, फिर उसका फेस टू फेस इंटरव्यू उसने फेस किया फॉर बोथ पोजिशंस, दोनों पोजिशंस के लिए। बाय द एंड ऑफ अप्रैल एंड बिगनिंग ऑफ मे, अप्रैल के एंडिंग में और जो बिगनिंग थी मे की, वहाँ उस टाइम पे आई हैड टू टीचिंग ऑफर्स, मुझे दो टीचिंग ऑफर्स मिले। आई हैड नो क्ल्यू वेयर माई जर्नी वॉज टेकिंग मी, बट माई, कहते कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी जो यात्रा है, जर्नी है, मुझे कहाँ पर लेके जाने वाली है। बट माई बट बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट आई हैड सोल्ड आर बिलोंगिंग्स एंड रेंटेड आउट माई होम। वो कहते हैं कि अगस्त के एंड तक आई हैड सोल्ड आउट बिलोंगिंग्स, जो मेरी बिलोंगिंग्स थी वो मैंने बेच दी। एंड रेंटेड आउट माई होम, एक जगह पर और उन्होंने घर लिया। माई किड्स एंड आई अप्रूटेड आर लाइव्स एंड वर ऑन अ प्लेन टू द अरेबियन गोल्फ। अप्रूटेड होता है उखाड़ना। वो कहते हैं कि मतलब वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाने वाले थे, तो उनके और उनके बच्चों ने जो उनकी लाइव्स थी वहाँ से उन्होंने उसको अप्रूट किया। एंड वर ऑन अ प्लेन, अब वो एक प्लेन में थे, कहाँ पर जा रहे थे वो, अरेबियन गल्फ, UAE जा रहे थे वो। सो दिस इज all about the page number 109 and little bit about 110. The next, this page, this full page we will cover in the next video. I hope this is clear. Thank you.